नमस्कार, ये है ईटीवी भारत और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान किया है। खबर है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कमेटी की अध्यक्षता करेंगे, जबकि निर्मला सीतारमण कमेटी की संयोजक होंगी। जेपी नड्डा ने कमेटी में 27 सदस्यों को शामिल किया है। माफिया मुख्तार अंसारी का शव कड़ी सुरक्षा के बीच शनिवार को गाजीपुर जिले में यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के निकट कालीबाग स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। चंडीगढ़ पीजीआई के एडवांस कार्डियक सेंटर के प्राइवेट आईसीयू रूम में शनिवार को आग लगने से हड़कंप मच गया। खबर है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है। फिलहाल सभी मरीजों को सुरक्षित निकाला गया। पलवल में पुरानी रंजिश के चलते 28 साल के युवक की गोली मारकर हत्या की गई। पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। शुक्रवार से हरियाणा के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हो रही है, जिससे किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ है। हरियाणा में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। चरखी दादरी में सरसों की सरकारी खरीद को लेकर चहेतों को टोकन देने और बाहरी एजेंटों के माध्यम से खरीद होने पर किसानों ने आढ़तियों के साथ मिलकर अनाज मंडी में हंगामा किया। आढ़तियों ने रोष जताते हुए खरीद का बहिष्कार किया। हरियाणा शिक्षा विभाग ने पहली बार क्लास में दाखिले को लेकर बच्चों की आयु सीमा को इस साल तक के लिए खत्म कर दिया है। 1 अप्रैल 2024 से पहली कक्षा में सभी बच्चों का दाखिला किया जाएगा, चाहे उनकी उम्र 6 साल हो या ना हो। सोनीपत पेट्रोल पंप पर लूट के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया है कि तीनों ने नशे के शौक को पूरा करने और कर्ज उतारने के लिए वारदात को अंजाम दिया। स्टार कॉमेडियन कपिल शर्मा का नया कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो आज 23 मार्च की रात से शुरू हो रहा है। कपिल शर्मा ने अपने पहले गेस्ट की झलक दिखाई है। कपिल का नया शो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने जा रहा है। आईपीएल 2024 का 11वां मुकाबला पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जॉइंट्स के बीच खेला जाएगा। लखनऊ को इस मुकाबले में पहली जीत की तलाश है, जबकि पंजाब किंग्स एक मुकाबला हारी है और एक जीती है। बाकी की अपडेट्स के लिए लॉग इन करें ETVBharat.com पर।